तो हेलो दोस्तों, आज फिर आ चुके हैं हम बिगनर सीरीज के एपिसोड थर्ड के साथ। इसमें आज हम कवर करने वाले हैं बॉडी फ्लोट, फ्लोटिंग। बॉडी फ्लोट में आज हम कवर करेंगे बॉडी को, बच्चे की बॉडी को पानी के सरफेस लेवल पे रखना सिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला स्टेप होगा हमारा दीवार को पकड़कर बॉडी फ्लोट। पहले हमें ध्यान रखना है कि हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए, एल्बो बेंड नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हेड प्रॉपर डाउन होना चाहिए, जिसमें हमारी चिन चेस्ट को टच होनी चाहिए और बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना है और दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा कर लेना है, जिसमें नी बेंड ना हो और हील टच होनी चाहिए। ये भी ध्यान रखें कि बॉडी फ्लोट के टाइम बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होनी चाहिए। जब तक आपकी बॉडी अपने आप पानी के ऊपर फ्लोट न करे, तब तक इस प्रैक्टिस को जारी रखें। अगला स्टेप है स्टैंडिंग पोजीशन। इसमें हम सीखेंगे जब बॉडी फ्लोट के बाद लैंड करते हैं तो कैसे करना चाहिए। इसमें दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले दोनों नीज को आगे की तरफ फोल्ड करके दोनों पैरों को एक साथ फ्लोर पर रखें और उसके बाद हेड को पानी से बाहर निकालें। इस स्टेप को भी 3 से 5 बार ज़रूर करें। स्टेप 3, इसमें हम दीवार को छोड़कर बॉडी फ्लोट करेंगे। हम सबसे पहले दीवार को पकड़कर बॉडी फ्लोट करेंगे। जैसे ही हमारी बॉडी फ्लोट हो जाती है तो हम दीवार को छोड़ देंगे। इसमें आप जितना लंबा ब्रीथ होल्ड कर सकें उतना करें। स्टेप 4, बोर्ड के साथ बॉडी फ्लोट। इसमें हम दीवार की जगह बोर्ड को पकड़कर बॉडी फ्लोट करेंगे। इससे बिगनर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यह स्टेप भी 3 से 5 टाइम्स ज़रूर करें। स्टेप 5 में बिगनर्स बिना कोई सपोर्ट के बॉडी फ्लोट करेंगे।
इस स्टेप को करते हुए हमारी पोजीशन नीज बेंड करके पानी में बैठना है और वाटर सरफेस तक कंधों को रखना है और अपने दोनों हाथ सीधे होने चाहिए। अब हेड प्रॉपर डाउन करके दोनों पैरों से हल्का पुश लेना है और बॉडी फ्लोट करवानी है। ब्रीथ को लंबे टाइम तक होल्ड रखना है। यह स्टेप भी 3 से 5 बार जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।